नमस्कार दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ले चलते हैं एक समरसेबुल स्टार्टर जो कि घर में लगता है, जो घर में यूज होता है। इसको दो जगह से या तीन जगह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से कनेक्शन करें इसके लिए, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी दिया है उस पर टच कर ले। तो दोस्तों देख रहे हैं समरसेबुल स्टार्टर है, यहाँ आंगन में बोर्ड है, यहाँ से ऑन करने के बाद ऑन हो रहा है, यहीं से ऑफ हो रहा है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ मीटर है और यहाँ पर समरसेबुल के लिए यहाँ सिस्टम लगाया हुआ है। दोस्तों किस तरीका से कनेक्शन करें कि आपका जो कनेक्शन है सही तरीके से हो, कहीं भी आप ऊपर फ्लोर से और नीचे फ्लोर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ऑन हुआ है और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये समरसेबुल स्टार्टर है, इसको पहले हम का किए हैं, इसको कनेक्शन कर दिए हैं। 6 मॉडलर का बोर्ड है, यहाँ बेड स्विच लगाए हैं, यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगाए हैं जो कि ऑन ऑफ स्विच ले कनेक्शन दिए हैं। इंडिकेटर का जो कि ऑन करने के बाद स्विच को 16 एम्पियर का स्विच है, ऑन करने के बाद इंडिकेटर जलेगा तब बेल स्विच दबाइएगा तो जो आपका स्टार्टर है स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों येलो वाला वायर और ब्लू वाला वायर को हम जो लिए हैं ये बेल स्विच के लिए है, जो कि डायरेक्ट स्टार्टर में जो कनेक्शन करेंगे तो इसको बेल स्विच ले यहाँ कनेक्शन करेंगे। ये बेल स्विच ले कनेक्शन हुआ है, पीला वाला वायर को हम बेल स्विच ला एक पोल से कनेक्शन पहले कर लेते हैं। उसके बाद में जो ब्लू वाला वायर है, ब्लू वाला वायर को कनेक्शन करेंगे। तो पीला वाला वायर को हम कनेक्शन कर लिए और ब्लू वाला वायर को बेल स्विच ले ही कनेक्शन करेंगे। यहाँ ब्लू वाला वायर को भी बेल स्विच ले कनेक्शन कर दिए और जो बगल में 16 एम्पियर का स्विच लगाए हैं, 16 एम्पियर का स्विच ले ऑन ऑफ करने के लिए जो समरसेबुल स्टार्टर है, समरसेबुल स्टार्टर का कनेक्शन जाएगा जो पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो दोस्तों ये बेल स्विच है और बगल में देख रहे हैं 16 एम्पियर का सॉकेट है और चलते हैं समरसेबुल स्टार्टर के पास। तो समरसेबुल स्टार्टर के पास भी 6 मॉडलर का बोर्ड हम लिए हैं और यहाँ पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट दिए हैं डायरेक्ट, जो कि आंगन से स्विच ले कनेक्शन आएगा। और ये जो देख रहे हैं रेड कलर पर टेप मारे हैं ये निगेटिव पॉइंट है और एक्स्ट्रा जो 6 एम्पियर का सॉकेट लगा है कनेक्शन यहाँ से दिए हैं और इसमें पॉजिटिव लाइन हम लाइन देंगे जो कि आंगन में स्विच है 16 एम्पियर का स्विच ले कनेक्शन देंगे। तो इस तरीके से हम कस लिए हैं, इसको फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों पूरा बोर्ड को हम यहाँ कनेक्शन कर लिए, ये एक्स्ट्रा कनेक्शन है आपका जो मेन 16 एम्पियर का सॉकेट है, 16 एम्पियर का सॉकेट ही मेन कनेक्शन है। और जो ब्लू वाला वायर और पीला वाला वायर जो ले आए थे बेल स्विच ले कनेक्शन के लिए, तो ये वायर है थोड़ा सा छोटा पड़ गया था इसलिए इसको ब्लैक वायर हम टेप मार कर टेपिंग करके इसको बड़ा कर लिए और साइज ले दीवार में होल कर लिए, जो कि समरसेबुल स्टार्टर को एडजस्ट करना है। और समरसेबुल स्टार्टर को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों ये जो मेन टॉप है 3 पिन का टॉप है जो कि मल्टी टॉप बोलते हैं इसको, और निगेटिव पॉइंट से निगेटिव का सिरा जो कि समरसेबुल स्टार्टर में फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव होता है और सेकंड निगेटिव होता है, तो इसमें टॉप में कनेक्शन कर लिया। उसके बाद में जो ब्लैक वायर जो बेल स्विच ले लाए हैं, तो बेल स्विच का कनेक्शन हम देख रहे हैं कहाँ किस पर करें हम। तो दोस्तों एक ग्रीन वायर ग्रीन कलर का जो स्विच है, ग्रीन वायर का स्विच पर हम कनेक्शन करेंगे। कहाँ पर करेंगे दोस्तों, पहले इसको ब्लैक वायर को कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक वायर को हम थोड़ा सा ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं स्विच है, जो कि ग्रीन कलर का स्विच को हम पुश करने के बाद में हम क्या होता है कि अंदर में पत्ती रहता है, दोनों टच होगा तो आपका स्टार्टिंग ऑन होगा। तो एक वायर को हम कट कर लेंगे और यहाँ पर ब्लैक वायर को जोड़कर और ग्रीन कलर का जो स्विच है, ग्रीन कलर का स्विच का एक सिरे पर हम, जो कि ये स्विच का काम करता है दोस्तों, यहाँ पर हम कस लेंगे। जहाँ से हम निकाले हैं वहीं पर हम इसको टाइट कर लेंगे और इस स्क्रू को कसने के बाद दूसरा जो सिरा है यहाँ से हम दूसरे वायर को, जो कि ब्लैक वायर है, दूसरे वायर को यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्शन इसको भी हम करके इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट कर लिए
और ये मेरा समरसेबुल स्टार्टर का कनेक्शन हो गया दोस्तों। और इसके बाद रह गया समरसेबुल मोटर का कनेक्शन, इसको करेंगे दोस्तों। पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और ये 6 मॉडलर का बोर्ड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक कनेक्शन है, एक्स्ट्रा कनेक्शन आप भी कर सकते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा कनेक्शन को पहले हम करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस बोर्ड को हम एडजस्ट कर लिए हैं यहाँ पर, और करने के बाद दोस्तों इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू को अच्छी तरह से। जिस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लिए, टाइट करने के बाद देख रहे हैं इसमें जो 16 एम्पियर का जो टप है, 16 एम्पियर का टप इसमें हम लगा लिए हैं। और लगाने के बाद दोस्तों इसमें लॉक रहता है, लॉक को हम भी लगा लिए, इसको एडजस्ट कर लिए। और इसके बाद ये मेरा समर्सिबल स्टार्टर भी एडजस्ट हो गया। और रह गया मोटर का वायर का कनेक्शन। तो मोटर का वायर का कनेक्शन जो फर्स्ट में रेड लगता है और सेकंड में येलो और थर्ड में ब्लू वायर लगता है, तो इस तरह से हम कनेक्शन समर्सिबल स्टार्टर का करेंगे। तो समर्सिबल स्टार्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो रेड वायर है, रेड वायर को पहले हम यहाँ से स्क्रू से टाइट कर लेंगे। जो 3 पिन रहता है फर्स्ट पिन पर, जो कि रेड वायर को हम कस लेंगे। तो रेड वायर के कसने के बाद सेकंड में येलो है, येलो वायर को हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ येलो वायर को भी अच्छी तरह से टाइट कर लिए। और उसके बाद रह गया ब्लू वायर। तो दोस्तों येलो वायर को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि स्क्रू ढीला ना हो। और ये रह गया ब्लू वायर, ब्लू वायर को भी यहाँ पर लास्ट जो पिन है, लास्ट पिन पर हम कस कर लेंगे। इसको भी कस लिए। और उसके बाद में समरसेबुल का जो लॉक रहता है, स्क्रूप है, स्क्रूप भी कस लेंगे और टॉप को भी लगा लेंगे और स्क्रूप को भी हम कस लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लाइन दिलवा दिए हैं। लाइन दिलवाने के बाद इसमें लाइट आ गया और स्क्रूप को अच्छी तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे, कस लेंगे। और कसने के बाद ये मेरा जो समरसेबुल स्टार्टर है, समरसेबुल स्टार्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। देख रहे हैं इसमें रेड कलर का जो हरा बटन दबने के बाद स्टार्टर ऑन हो रहा है और रेड पर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ जो आंगन में लगाए हैं यहाँ पर भी देख रहे हैं ऑन ऑफ है। और देख रहे हैं स्टार्टर में भी लाइट जो जल रहा था रेड कलर का, ये भी ऑफ हो गया। और फिर चलते हैं आंगन में। तो आंगन में यहाँ बेल स्विच है, जब तक स्विच ऑन नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पर बेल स्विच दबने के बाद भी ऑन स्टार्टर नहीं होगा, देख रहे हैं। और इसके बाद 16 एम्पियर का है, ऑन किए इंडिकेटर जल गया, उसके बाद में बेल स्विच दबेंगे। बेल स्विच दाब दिए और देख रहे हैं स्टार्टर ऑन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टर भी यहाँ पर ऑन हो गया है। इस तरीके से दोस्तों हम डायग्राम भी बनाए हैं। और देख रहे हैं बेल स्विच है, बेल स्विच का कनेक्शन जो कि समरसेबुल स्टार्टर में ग्रीन कलर का जो स्विच रहता है, स्विच का एक कनेक्शन है यहाँ पर हम कर देंगे। और ये वाला 16 एम्पियर का स्विच है जो कि मेन यहाँ से इनपुट लेंगे, यहाँ से आउटपुट जाएगा और यहाँ से निगेटिव इनपुट जाएगा समरसेबुल स्टार्टर के लिए। और यहाँ ऑन करने के बाद समरसेबुल स्टार्टर होगा आपका, और ये ऑन ऑफ है, यहाँ पर ऑन ऑफ है। जब तक आप आंगन से 16 एम्पियर या स्विच है 16 एम्पियर का स्विच ऑन नहीं कीजिएगा तब तक स्टार्टर को ऑन नहीं कर सकते। तरीके से दोस्तों कनेक्शन है। और इसके बाद में समरसेबुल मोटर का भी कनेक्शन है, देख रहे हैं समरसेबुल कनेक्शन। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह से वीडियो लाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।